हालेलुया, सभी को जय मसीह। मैं मानसा पंजाब से हूँ, मेरे मायके यहाँ हैं। तो मुझे पिछले साल मौका मिला, मैंने YouTube पे देखा, मुझे पहले नहीं पता था प्रभु के बारे में, तो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने अगस्त में चर्च का पता मैंने लिया ऑनलाइन, तो मैं उसके बाद यहाँ पे आई। मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, मेरे रसोलियाँ थी जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़े साइज़ में थी, अब वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ। इस बीच मैंने ऑनलाइन में हमेशा मैं प्रेयर सुनने की कोशिश करती, देखती, तो एक बार पवित्र आत्मा जी मेरे पास्टर जी की प्रेयर मैं सुन रही थी, उस टाइम मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला। पहले मेरे ऊपर पवित्र आत्मा कभी नहीं उतरता था, फिर मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मुझे उस दिन मिला पास्टर जी से। धीरे धीरे फिर मेरे जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ अब पवित्र आत्मा जी मेरे ऊपर उतरते हैं, तो ये मुझे ऑनलाइन प्रेयर सुनने से मिला। उसके बाद फिर मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला, तो इसीलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। बीमारियों, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी और भी बहुत बीमारियाँ थी, जिससे अब धीरे धीरे मैं शिफा पाती जा रही हूँ। तो इसके लिए भी मैं पास्टर जी का और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब आप दूसरी बार आए हो? मैं तीसरी बार आई हूँ। हाँ जी, सो देखो लाइव प्रार्थना में पवित्र आत्मा को पाया, हाँ जी, अन्य भाषा को पाया, और लाइव प्रार्थना में चंगाई पा रही हैं। और यहाँ पर एक बार भी आए थे पिछली बार, मुझे ध्यान नहीं है वैसे, लेकिन आज जब आए थे प्रार्थना इन्होंने करवाई जैसे बहन कह रही है, और जो बड़ी गांठें थी अब क्या हो रहा है, छोटी हो रही है? बहुत छोटी होगी, अब उनका साइज ना डिटेक्ट नहीं होता। अच्छा, तो वो जो कर रहे थे अल्ट्रासाउंड वो भी यही सोच रहे थे कि पता नहीं कहते कैसे कहते कम होती जा रही है, ये खत्म हो रही है धीरे धीरे। हाँ जी, सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। अद्भुत चमत्कार करने वाला प्रभु, जो ऑनलाइन प्रार्थना से पवित्र आत्मा को वरदान, अन्य भाषा, और वो जैसे गांठे थी बेटी बता रही कैसे वो खत्म होती गई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मसीह की मेरी ये गवाही है कि मम्मी की कमर बहुत दर्द होती थी, उन्होंने शनिवार प्रेयर लाइव प्रेयर रिसीव की, अब उनकी कमर बिल्कुल ठीक है। और मेरी बुआ जी की लड़की थी तो उनकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा रिश्ते भी उनके टूट गए थे। फिर उन्होंने भी बिशप जी की लाइव प्रेयर अटेंड की और उनकी शादी हो गई। अब उन्होंने प्रभु ने उन्हें बेबी बॉय से ब्लेस भी किया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल मेरा बहुत औखा पेपर था तो मैंने रमन भैया से प्रेयर करवाई, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मेरी चौथी गवाही ये है कि मेरे नाक से नकसीर बहुत आती थी, ब्लीडिंग होती थी नाक से बहुत ज़्यादा, तो अब एक साल हो गया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। देखो बच्चे के नाक से खून बहुत बेहतर रहता था, नकसीर जैसे कह रहे थे अक्सर ही बेहतर रहता था और नाक से ब्लीडिंग होती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया। इसकी मम्मी के जो पेन थी, दर्द थी कमर में पिछले 6 महीने से, प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी चंगा किया। और इनकी जो रिश्तेदारी में थी जिसकी शादी के लिए वो बेचारे परेशान थे, प्रभु ने उस काम को भी पूरा किया। ऑनलाइन प्रार्थना ग्रहण करने से ही दर्द ठीक हुई, ऑनलाइन प्रार्थना करने से ही वो उसकी शादी हो पाई और परमेश्वर से बच्चे से भी ब्लेस किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की, प्रभु ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया है, प्रभु जी धन्यवाद, सबको जय मसीह। सो इस बेटी को परमेश्वर ने बेटा दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करवाई थी हमने पहले सबसे, हाँ, और फिर उसके साथ बाद में मुझे बेटे की आशीष मिली है। हाँ, पूरी बात बताया करो। ओके, प्रभु ने मुझे बहुत सारे अद्भुत करे काम किए है, बहुत सारे जो भी प्रभु से मुझे मैंने मांगा है वो सब कुछ मुझे मिला है। ठीक है, पहले दो बेटियां हैं, अब प्रभु से बेटा मांगा, प्रभु ने मुझे बेटा, हाँ, पहले दो बेटियां हैं फिर अभी बेटा मांगा था, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें बेटा दिया। सो जो कुछ भी कहते हैं मांगते हैं हम प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह जी पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे परसों ना बाथरूम नहीं आया था, कल सारी रात की बहुत परेशान थी मैं,
तो मैं पाजी से प्रार्थना कराई तो मेरा बाथरूम आ गया। मैं पाजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे कोई दवाई लेने की भी लोड़ नहीं पड़ी। मेरे पिता परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत तड़प रही थी, सारी रात की तड़प रही थी। मैं यहाँ आई फिर पाजी से प्रार्थना करी, पाई यहाँ पास्टर से भी कहते पाजे थे प्रार्थना करी, मुझे चंगी होगी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान भी मिला है। मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, जय श्री। तो परमेश्वर मसीह जी ने चंगा किया, बाथरूम बंद हो गया था और ये आपको बता नहीं सकते कि बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, बहुत बड़ी इनको बीमारी हो गई एकदम से जो आपको हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना कराई, मैं वहाँ गेट पर ही था तो मैं मुझसे प्रार्थना करवाई और परमेश्वर मसीह जी ने इसे चंगा किया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद। सरल जय मसीह। मैं पिछले हफ्ते शनिवार को प्रार्थना सुन रहा सी, तब मेरे बाबा सिर हो गई सी, तब पास्टर जी कह रहे सी भी ऑपरेशन तो बाद भी बाबा सिर किसी दिन नहीं ठीक हुई, तो मैं प्रार्थना करता हाँ। तो मैं लाइव प्रार्थना देखी तो मैं बाबा सिर मेरी एकदम दर्द जो हो रहा सी चला गया और सब नू जय मसीह कह रहा मैं। सो लाइव प्रार्थना सुनने से बाबा सिर की जो पेन हो रही थी खत्म हुई, परमेश्वर मसीह जी ने चंगाई दी। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। तो मेरी गवाही है कि मेरे मुँह के उत्ते है ना 3 सालों तो खारिश सी बहुत ही ज़्यादा। मैं इन्नी दवाइया ले सक रही थी पर मैंने आराम नहीं है। तो साढ़े पिछले जो मार्च की 16 तारीख की उदो प्रार्थना है इस घर में, तो मेरा तो कम की दाह भी बहुत ज़्यादा सी, तो मेरे बहुत ज़्यादा खारिश सी मुँह के उत्ते। तो मैं प्रार्थना करी तो उस तो बाद मैं थोड़े जी घरों ही जगह गोलियां लीतिया, तो मेरे खारिश तो मैं परमेश्वर ने आराम दिता। मैं रोंदी सी प्रभु मैं मिट्टी कटे तो कम भी करना पैंता, तो मैं सारे दिन ठंडे पानी मुँह तो उदा कि कम करा। परमेश्वर तू मेरी मदद करे तो उस खास तो मैं प्रभु ने छुटकारा दिता अपने लहू न धो के। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ। हाले लोहिया तो क्या होता था जलन होती थी, दप्पड़ होते थे मुँह पे बहुत ज्यादा। अच्छा, जलन होती दप्पड़ होते, दवाई से ठीक नहीं हुआ? नहीं गुरु जी, मैं घर से 2 गोले वैसे अक गई ना, मैं लाएगा प्रभु दवाई नहीं मेरे काम कर, लेकिन तेरी आशीष से चंगी हो रही हूँ मैं प्रभु। तो मेरे को आराम मिल गया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ बहुत ही ज्यादा। सो परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। इनके इन्होंने प्रार्थना रखाई थी, बड़ी प्रार्थना, हम लोग वहां गए प्रार्थना करवाई और उस दिन से परमेश्वर जी ने इन्हें चंगा किया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी नू जय मसीह दी, सारे भैन भरावां नू जय मसीह दी। मैनू 2 महीने हो गए उदों मैं रो रो के प्रार्थना करके गई सी भी मैनू पोते दी दात दे दे मालका। मैनू पोते दी दात मिल गई उसे दिन ही जिदे मैं प्रार्थना करके गई, और दूजे दिन ही तड़के ही मुंडा हो गया मेरे पोता। मेरे पहला मेरी 8 सालों की पोती सीगी, 8 सालों तो मैनू रब ने पोता दिता। प्रभु यसू तेरा धन्यवाद, मालका यसू मसीह पिता तेरा धन्यवाद। 8 सालों के बाद, 8 सालों के बाद परमेश्वर ने इन्हें पोता दिया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये चर्च में आए, चमत्कार चर्च में आए, इन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर मसीह जी ने प्रार्थना को सुना। रो के मंगया इतने, मैं प्रभु मेरे 8 सालों की पोती होगी, मैंने पोता दिया जो मैंने पोते ने बलिस करो। और प्रभु जसू ने उदे ही मेरी नूह उतने 6 बजे ढिली होगी, 5 बजे मैं घर पहुंची, 6 बजे मेरी नूह का फोन आ गया भी वो ढिली हैगी है, तो उन्होंने लेके आए तो तड़के 10 बजे मैंने पोता देता। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद। भाई की चोट लग गई थी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, टांटिया में लेके गई, उन्होंने भी जवाब दे दिया था, कहते बचने की उम्मीद नहीं है। तो पास्टर जी से रात को 2 बजे प्रार्थना करवाई और ऑपरेशन सही हो गया और उनकी आंख की रोशनी चली गई थी, वो भी कल आ गई। 3 दिन पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी।